सिंघू बॉर्डर ते किसानों का मोर्चा टिकरी ते गाजीपुर ते ते उस तो अलावा करनाल विच वी किसानों का पक्का मोर्चा किसान मोर्चे ला रहे हैं ते इन्हां विचाले बहुत सारे सवाल उठते पे है। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब दा स्वागत करदा। इन्हां सवालों दे जवाब की मिलणगे भविख दी गोद विच पए है, पर किते किसानों नूं वंड के किते कोई होर प्लानिंग तां नहीं कीती जा रही। इह सवाल भी खड़ा होना लाज़मी है। सरकार का प्लान की है खेती कानूनों के मुद्दे पर कि मुद्दा भटकाया तो नहीं जा रहा, खेती कानूनों पासे करके होर मुद्दे उभारे तो नहीं जा रहे। 2022 दी चोणां दा एंगल नाल जोड़ के किसानों फंड कित्थों आ रहे हैं, इस तों अलावा होर कई सवाल खड़े करके कि सारे मुद्दों को ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं हैगी। ये सारे सवाल होने लाज़मी है। असीं वड्डा सवाल ये पुछांगे किसानों के मोर्चे सरकार का प्लान की। वड्डा सवाल इस डिबेट के असं ये पूछ जा रहे हैं, हरियाणा के करनाल किसानों के पक्के मोर्चे ने सियासत लिए किहड़े राह खोले, इस सवाल पर बहस होगी। पैनल साडा मौजूद है, उन्होंने तारफ करवाना, तो उस तो बाद डिबेट शुरू करते हैं। प्रिंस वड़ैच भारतीय किसान यूनियन के यूथ आगू ने, तो मिस्टर चड़ूनी संबंध रखते हैं, गुरनाम सिंह चड़ूनी हरियाणा तो हरियाणा तो साढ़े नाल बैठे ने। प्रिंस वड़ैच तुहाड़ा बहुत स्वागत है। ठाकुर हुकम सिंह पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, ये सीनियर वकील भी ने, तो पार्टी साहब न अपनी पार्टी लाइन का किन्ना पता है तो उसके मुताबिक ये कि गल करे। सवाल यही है, सवाल यह है कि बीजेपी की हुण पॉलिसी की है, क्योंकि पांच सूबे चोणा तो सारा कुछ उनके जोड़ के देखा जा रहा है, तो पार्टी साहब में यह सवाल होंगे लाजमी। पार्टी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, ये लगातार होर डिमांड करते पे है क्योंकि हरियाणा के मिस्टर हुड्डा वो आपकी जमीन तलाशते पे है, तो इसके विचाले सवाल उन्होंने किसानों हुए लाठीचार्ज के विचाले वड्डा सवाल चुकया कि CBI जाँच होनी चाहिए है। वो केवल ढींगरा पुछा कि जाँच का यह मुद्दा क्यों चुकया। ढींगरा साहब तुहाडा बहुत स्वागत है कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। प्रसम अजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने, प्रसम अजीत सिंह अक्सर किसानों के नेड़े देखे जाते हैं, तो किसानों की हमेशा गल करते देखे जाते हैं, पर प्रसम अजीत सिंह तो समझने की कोशिश करांगे कि किसानों ये पता हैगा कि किसानों का मोर्चा कितने वंडिया तो नहीं जा रहा, क्या उस बाबत किसान की सोचते हैं। प्रसम अजीत सिंह तो यह सब कुछ समझने की कोशिश करा क्योंकि सियासत आपके वक्त तरीके ने प्लान करती है। प्रसम अजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने, प्रसम साहब बहुत स्वागत है तुहाडा। सब तो पहला सवाल पार्टी साहब तुहानू करना चाहूँगा। पार्टी साहब दिक्कत की है, SDM ने जिहड़ा बयान दिता सीगा, CM साहब कहिंदे आ कि वह बयान दे विच शब्दां दी चोण सही नहीं सी। जे शब्दां दी चोण सही नहीं सी तुसीं मान चुके हो, तो फिर कार्रवाई करन च गुरेज की है मिस्टर पाटिक? देखिए KP सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि एक किसानों से संबंधित, एक जन सामान्य से संबंधित मुद्दा आपने ये लिया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, अभी जो सवाल आपने किया वो सवाल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा किसानों के हित में काम करते रहे हैं, उनके हित में बोलते रहे हैं। कभी भी उन्होंने, अभी जैसे आपने कहा कि भाई उन्होंने क्या कह दिया, कोई गलत बात, उन्होंने कभी गलत बयान ही आज तक नहीं की। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, पिछले 5 साल हमारी सरकार रही और 2 साल से JJP के साथ हमारा गठबंधन है, एक भी वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री साहब, पार्टी साहब गोल गोल ना घूमे सर, सीधा मुद्दे पे आइए। चोन गलत सी, शब्दों की कार्रवाई करने गुरेज की है सर? पार्टी साहब जे तुम पंजाबी दस सको तो बेहतर होगा सर। नहीं तो कार्रवाई की, देखिए जहां तक कार्रवाई की बात करते हैं, सरकार इतनी सेंसिटिव सरकार है हरियाणा प्रदेश में भी और देश में भी, जब भी कभी कोई भी जनसामान्य से संबंधित मुद्दा आया या कार्रवाई की बात आई, सरकार देखिए, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। मान लिया जैसे अभी एक मुद्दा जो करनाल में एक ऑफिसर का एक बयान आया था, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की, उनको वहां से हटाया, उसके बाद ट्रांसफर किया, उसके बाद उनकी इंक्वायरी कंडक्ट की। बताइए इससे बड़ा सेंसिटिव और दूसरा क्या हो सकता है? चलो सेंसिटिव सरकार ना सर, सानू इथे तक अंदाजा हो रहा है कि हरियाणा दे विच जिन्ने दंगे फसाद पिछले सालों में हुए है तुहाडी सरकार दे हुंदे इस तो पहला नहीं हुए सर। पार्टी साहब तुहाडे ते बहुत वड्डा इल्जाम है। KP सिंह जी ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार में दंगे फसाद कोई नहीं हुए। एक जाट आंदोलन जरूर हमारे लिए कहा जाता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ, लेकिन वो भी एक सोची समझी चाल थी जो कांग्रेस की सरकार उनको रिजर्वेशन देकर के नहीं की, और आंदोलन और हिंसात्मक आंदोलन वो उस समय सोची समझी चाल के तहत कुछ बाहरी लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। पार्टी साहब हुण जिहड़े करनाल च, पार्टी साहब हुण जिहड़े करनाल च किसान बैठे है, तुहाडे आपदे है कि सर बाहरों आ गए, ओह वी कांग्रेस ने भेजते?
देखिए हम बाहरी और अंदर की बात नहीं करते, सारे लोग अपने, मान लिया पंजाब से भी कोई आता है तो है तो वो मतलब अपने अपने ही देश का किसान है। लेकिन हम एक बात, जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड आज तक है वो ये है कि जो ये किसान आंदोलन के नाम पर चल रहा है ये किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान तो अपने खेत में है अपना काम कर रहा है, ये आंदोलन उन लोगों का है जो राजनीति से प्रेरित है, जो जैसे अभी गुरनाम सिंह चरूनी जी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं तो उन्होंने अपना सीधा सीधा बता दिया हम तो पंजाब में चुनाव लड़ने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो राजनीतिक भावना से प्रेरित है, ठीक है पाटी साहब, सर वापस आ जाऊंगा, मिस्टर प्रिंस वड़ैच, तुसी राजनीति तो प्रेरित लोग हो, तुहाडा मकसद ना खेती करवाउणा है ना मुद्दे हल करवाउणा, तुहाडा मकसद है राजनीति विच आना, बीजेपी लगातार तुहाडे ते सवाल चुकदी पई है, तुसी इहनां नूं क्यों नहीं जवाब दे पा रहे मिस्टर प्रिंस वड़ैच? देखो जिहड़ा बीजेपी दे स्पोक्समैन प्रवक्ता ने सवाल चुकिया कि राजनीति तो प्रेरित लोग ने, तां फिर तां करनाल च जिहड़ा लखां दा इकट्ठ सी आ, मुजफ्फरनगर च लखां दा इकट्ठ राजनीतिक तौर ते वी इहनां दे खिलाफ हो गया, इन्हों नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि राजनीतिक बदलाव लोगों च आ गया, लोग इन्हों नकार चुके ने। जो पंजाब च चोण लड़न की गल है असं ये क्लीयर कर चुके हैं, साडा संगठन चरूनी साहब भी, असं कोई चोण उत्थे लड़न नहीं जा रहे, ना चरूनी साहब कोई चोण लड़नगे, ना उत्थे कोई राजनीतिक पार्टी बनाई गई है। जिसका कार्रवाई की गल इन्होंने की है कि जेडे सिर पाए जेड़ा एक गुंडा अफसर जिन्हें हिदायत दी अपने मुलाजमान को कि किसानों के उन्होंने सरकार कोई कार्रवाई नहीं की, सगो उन्होंने सिर पाड़न का इनाम दिता गया है, उन्होंने तरक्की दी गई है प्रमोशन करके, SDM तो एडिशनल सैक्रेटरी अतिरिक्त सचिव लगा के चंडीगढ़ सचिवालय च बिठाने का काम किया सरकार ने, उन्होंने तरक्की दी है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने अपने इशारे के उत्ते कह के उन्होंने किसानों के सिर पाड़न लिए कहा कि मैं अपनी कैमले वाली रंजिश इन्हां नाल कढ़नी है, जिहड़ा मेरा उत्ते विरोध होया सी। ठीक है, मैं वापस आऊंगा तुहाडे कोल प्रिंस वड़ैच। केवल टिंगरा, तुसीं CBI जांच की डिमांड कर ली है, की हो गया तुहानूं? ਟਿਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕੇਵਲ ਟਿੰਗਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ SDM ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫੋੜੇ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਟਿੰਗਰਾ, ਕੇਵਲ ਟਿੰਗਰਾ, ਤੁਸੀਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਵਲ ਟਿੰਗਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ CBI ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ BJP ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ BJP ਦੀ, NDA ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੇਵਲ ਚਿੰਗਰਾ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ? ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 'ਤੇ, ਟਿੱਕਰੀ 'ਤੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨਾਲ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੈ, ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
उत्थे इन्नी देर दे बैठे हो, छड्ड तो नहीं दिता मोर्चा ना टिकरी ना गाजीपुर ना सिंघू बॉर्डर दा, उत्थे बैठे हो, उत्थे तो पक्के मोर्चे। ए लीडरां नूं, किसान लीडरां नूं सवाल हो रहे प्रसमजीत सिंह, सवाल ये हो रहे है किते तुसी आपदा सिंघू वाला मोर्चा कमजोर तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं कहना मैं उही उहदा जवाब दे रहा। मैं देखो तुसी उत्थे लगातार मन लो तुसी 50,000 बंदा 60,000 बंदा लगातार बिठाया, उहदा बैठण दा खर्चा आ, उत्थे सारा कुछ है, जां ते तुसी अग्गे जाना होवे तुसी एक सीटी ना। जे किसान 8-10 लाख किसान मुजफ्फरनगर च इकट्ठे हो सकदे आ, जे इत्थे लखां दी गिणती च करनाल चलो किसान जिहड़े सीटी मारन दे उत्ते इकट्ठे हो सकदे, कि सिंघू बॉर्डर ते टिकरी बॉर्डर ते लोक इकट्ठे नहीं हो सकदे। पर 9 महीनों तो लगातार बैठे हो, मेंटेनेंस की कॉस्ट तुम सारी लोगों की, जेडे किसान जो तुम इन्नी वड्डी गिणती उ बैठे रहेंगे लगातार, पिछे उन्होंने काम को उन्होंने घर नौकर तो नहीं है, उन्होंने खुद अपना खेती भी करनी काम भी करना। इसलिए ये मत समझिया जाए कि जेडे बॉर्डर से दिल्ली में घेरे वाले तिने मोर्चे है वो कीमत के उत्ते कॉस्ट के उत्ते बाकी जी सारी जगह मूवमेंट हो रही, इस तरह नहीं है। असल च जे तुसी अज इन्हां लाठियां का जवाब नहीं दिंदे, ये तो इहो जी गल है कि जे जलियांवाले बाग की मूवमेंट ने जो सारा उत्थे वो सारा घल्लूघारा होया तो उदों बाद ही सारे देश नूं जागृति आई, उदों बाद ही गांधी नूं, उदों बाद ही सारी मूवमेंट असल में 1919 तो जिहड़ी असल माने वाली मूवमेंट सी देश नूं आजाद कराने वाली चली सी। जो तुसी लाठियां चला के एलानिया लहू लुहान किया गया, इहदा जवाब नहीं देना? बिल्कुल जवाब देना चाहिए और डट के जवाब देना चाहिए। ये जवाब दे विच सरकार नूं चुनौती और ये दसना किसानों वालों ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम से बनता कि लोग जाग गए आ, सत्ता साढ़े कोल आ, तुहाडे कोल कुर्सियां आ, फैसले किसान करनगे कि देश दे अंदर की करना। प्रसमजीत सिंह सवाल एक ये भी हैगा, जिन्ने मोर्चे ज़्यादा लगनगे उन्ना मोर्चा दे हिंसक होने का खतरा वधदा जा रहा है, उत्थे टकराव होने का खतरा वधदा जा रहा है, इस सवाल को कैसे एड्रेस करोगे प्रसमजीत सिंह? कितने खतरा है हुण जदों अज का भी है, सब तो वध खतरा कल वाला सी, सब तो वध खतरा सी, असीं खुद डरे हुए सी, मैं खुद लीडरां नाल फोन दे उत्ते इन टच सीगा कि की हो रहा, क्योंकि उत्थे 40 टुकड़ियां पैरामिलिट्री फोर्स दियां, 30 कंपनियां जिहड़ियां आ तुसीं पुलिस दियां बुलाणगियां, 70 कंपनियां तुसीं बुला के कोई विदेशां तो हमला होने वाला सीगा, चप्पा चप्पा ते तुसीं घेराबंदी। जदों सवेरे सवेरे चडूनी नूं पुछया गया कि तुसीं करना उत्थे सैक्रेटेरिएट दा घेराबंदी करनी आ, वो कहिंदे सानूं की लोड़ आ, पुलिस ने करे ही दित्ती है इन्ना कुछ बुला के, साडा मकसद पूरा हो गया, उन्हां दी खिल्ली उड़ा रहे सीगे। इसलिए कोई किसी किस्म की वायलेंस जे होगी, हुण भी जे होई आ करनाल दे विच, जिहदा जवाब किसान पीसफुली शांतमई मार्च दे नाल दे रहे आ, नगोशिएट कर रहे आ, और मार्च कढ़न तो पहला भी नगोशिएट किया, केवी सिंह 3 घंटे मीटिंगां होईआं, नहीं तो फिर इस किस्म के धरने बहुत लाजमी आ, ये दसण लई खट्टण नूं कि राज इत्थे देश दे लोकां दा आ, तुहाडे वर्गे बंदियां दा नहीं। ठीक है प्रिंसिपल राज, तुहाडे लीडर तुहानूं किस तरीके नाल समझा रहे आ? मेरा सवाल इस करके क्योंकि तुहाडे विच कुछ शरारती अंसर भी तुसी लगातार कह रहे हो दाखल करवाए जा रहे हैं, कोई शरारती अंसर जो दाखिल हो के तुहानूं जे किसी नूं प्रवोक करता उन्होंने तो फिर तुसी भड़क जाओगे प्रिंसिपल राज, उसनूं किवें सांभोगे? तो क्योंकि सियासत ये चाहती है, तुसी लगातार कहने हो देखो सियासत से लगातार तैयारी है कि अंदोलन का दमन कर दिया जाए, किसी भी तरह अंदोलन हिंसा होए, टकराव की स्थिति पैदा हो जाए, पर अब किसानों के बच्चे किसान समाज पूरा जागरूक समझदारी इस अंदोलन लड़ रहा है। तुम देखिया कल लखा का कष्ट से करनाल के अंदर, फिर भी कि आप मुहारा होकर किसी ने कोई काम नहीं किया, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कोल दिती शामी 4 बजे 3 घंटे की लंबी मीटिंग तो बाद यूथ ने भी सारे किसान समाज ने उस समान लैके उन्होंने पिछे पैरा देने का काम किया, किते भी टकराव नहीं होया, अगर टकराव होएगा तो प्रशासन वालों होएगा, साड़ी जथेबंदी वालों SKM वालों किसानों भी सख्त हदायत अभी दी हुई है कि असी लाठी डंडा सोटा वट्टा किसी को नहीं मारना, यह सानू डंडा मारन गोली मारन असी छाती से खानी है, जितना अत्याचार करना नहीं। ठीक है पाटी साहब, सर इस भाईचारे नाल किवें लड़ लोगे तुसी, जिहड़ा भाईचारा ये कह के उत्थे मैदान विच डटिया होवे कि साढ़े चाहे डंडे पैण चाहे गोलियां पैण चाहे वट्टे पैण असी अगो हाथ नहीं चकना गा, पाटी साहब इस बरादरी नाल इस भाईचारे नाल किवें निजिठोगे तुसी? KP सिंह जी, मैं कुछ बातें आपके चैनल के माध्यम से ध्यान में लाना चाहूंगा और मैं बिल्कुल एक एक अभी इन्होंने प्रिंस जी ने और जो बात कही केवल ढींगड़ा जी ने, केवल ढींगड़ा जी और हमारा तो आमना सामना चैनल्स पर रहता है, मैं सबसे पहले केवल ढींगड़ा जी की बात पर आता हूँ। ढींगड़ा जी,
आपने हरियाणा में तो सीबीआई जांच की बात कर दी, जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर दी, तो जना मोगा के बारे में भी बताया ना, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, आप सीबीआई इंक्वायरी, पार्टी साहब ये रोज सवाल मैं कांग्रेस को करता पाया, मैं एक सलाह तुम्हें दे रहा सर, तुसी ये मान लो सर बीजेपी मोर्चा खोल दे मोगा कांड ते, क्यों नहीं खोल दी, खोलो मोर्चा, तुसी खोलो सर, तुसी क्यों नहीं खोल दे सर, पूछो कांग्रेस नु क्यों क्यों सिर पर ले सर, उत्थे किसानां दे ओदे क्यों नहीं तुसी, मोर्चा भी खोला जाएगा सर, खोलो ना, क्यों नहीं खोलदे तुसी, खोलो मोर्चा, मैं आपको नहीं सुनिए जरा, मोर्चे की बात नहीं है, जो मुखौटे पहने हुए हैं उन मुखौटों को हटाना है, कांग्रेस ने मुखौटा, पार्टी साहब मैं कांग्रेस स्पोक्सपर्सन नहीं हैगा, तुसी पहला कहने हो कि कांग्रेस इन्दे पिछे लगी पी है किसानां दे मोर्चे दे पिछे, हुण तुसी कह रहे हो किसानां ते डंडे भराए कांग्रेस ने, सर किसान किहड़े आ, करनाल विच किसान बैठे सी जां मोगे विच किसान बैठे सी, तुसी तां कहिंदे किसान खेतां विच है, पार्टी साहब केपी सिंह जी बात किसान किसान ही होगा, लेकिन एक आदमी किस तरह से मुखौटा पहन करके अलग अलग बातें करता है, इस बात का सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस का ये मुखौटा है, कांग्रेस नु जवाब देने नहीं बैठे, एक मिनट पार्टी साहब तुसी सर कांग्रेस नु जवाब देने नहीं बैठे हो या कौम नु जवाब देने नहीं बैठे हो सर, लोग सवाल करदे पए तुहाडे सर, तुसी कांग्रेस जवाब दे देने सर, फिर आप जो सवाल कहेंगे फिर जवाब देंगे, मेरी बात को पूरी होने दो, बोलो सर, कांग्रेस पार्टी ये नहीं मानती, शुरू में मैं ढींगड़ा जी को बताता हूँ, इनके प्रवक्ता आते थे ये भी कहते थे कि हमारा आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, तो किसानों का आंदोलन है, आज अभी बयान दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल हम आंदोलन में, हम आंदोलन चला रहे, यही तो भाजपा कहती है, भाजपा ये कहती है कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, जिसको कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसलिए चलाए हुए है क्योंकि इनकी राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, जनता ने इनको नकार दिया है, यही भाजपा ने कहा है, आज उसी बात को करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जो 14,000 करोड़ रुपए का किसान का घाटा कर दिया पंजाब में, एमएसपी नहीं दी, गन्ने का रेट नहीं दिया सर, पंजाब हरियाणा का मसला नहीं गा, पार्टी साहब प्लीज सर, एक मिनट, ये सर तुहाडे दोनों धिरां दे इल्जाम तराशियां का मंच नहीं हैगा सर, ये किसानां दा मुद्दा सर, तुसीं एक दूजे नाल लड़ाई करके सर किसानां दे मुद्दे नूं पटका रहे हो, केवल टिंगरा बोलो प्लीज, केपी सिंह जी मुद्दे को नहीं भटका रहे, नहीं पार्टी साहब हो रहा है ना सर, बोलो मिस्टर टिंगरा, गल सुनो, गल ये है, ये बार बार एक गल कह रहे हैं, मैं इन्हों को ही गल कहना चाहना, जे ध्वनी मत नाल कानून जेड़े पास किए है उन्हों रद्द कर दे, गल खत्म हुई, केवल टिंगरा जवाब क्यों नहीं देंगे, मोगा कांड ते तुसी क्यों नहीं बोलते, क्यों चुप बैठे हो, मैं बोल रहे ना, मैं उही ते गल कह रहा हां, जे लाठियां वाला काम चल रहा है ते बीजेपी अगर इतनी सियाणी पार्टी है ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਰਹੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋਗੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੋਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਆਨੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੰਬਰ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੰਗੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, चलो मैं एक और छोटा ब्रेक लूंगा, ब्रेक तो वापस आवांगे, सवाल बहुत सारे हैं, सवाल होने लाजमी है,
किसानों के मोर्चे लगे हुए सरकार का प्लान की है, ये सरकार के विचाले सियासत इनवॉल्व है, सारिया सरकार इनवॉल्व है, वो किस तरीके ने सारे मुद्दे को सोचदिया पी हैं, किसान इस मुद्दे को किस तरीके सोचते पे है, ये सारे सवाल इस करके हो रहे हैं क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की लगातार कॉल है कि असी धरना शांतमई रखना है। 9 महीने तो वह समा हो गया दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, पंजाब इस तो लंबा समा हो चुके हैं, पर सवाल अज तक हल क्यों नहीं होया, 2022 का इंतजार तो नहीं किया जा रहा। वापस आ रहे वाले पूछ रहे हैं करनाल चो किसानों के पक्के मोर्चे ने सियासत लिए किहड़े राह खोले है। हरियाणा के करनाल च किसानों के पक्के मोर्चे ने सियासत लिए किहड़े राह खोले, इस सवाल से बहस कर रहे हैं। प्रिंस वड़ैच, तुसी तुहाडे लीडर ते इल्जाम लगे है कि पहला वो चोणा लड़न की गल करदे सी, उस तो बाद तुसी उहदा बयान बदलिया, हुण तुहाडे ते इल्जाम लग रहा है कि तुसी कांग्रेस तो पैसे लैके अंदोलन कर रहे हो, तुहाडे कोल चंदा कित्थों आ रहा, इस दा कोई हिसाब देना चाहते हो, जवाब देना चाहते हो प्रिंस वड़ैच, जां तुहानूं सिर्फ कोरी सियासत लगती है? देखो एक कोरी सियासत है, जिथे तक चोण लड़न की गल है, ऑन रिकॉर्ड मैनू चडूली साहब का एक भी बयान दिखा दिता जाए कि वह पंजाब जाके फलानी जगह तो चोण लड़नगे, या उन्होंने कहा हो कि हाँ मैं पार्टी बना ली है। एक मीडिया से एक रूमर फैल गया चडूनी साहब ने पार्टी बना ली, चडूनी साहब का बयान वापस ले लिया, मैं इसका वेलकम करता, अगे बोलो सर। नहीं, पिछले जी उसे एक एरर आ रहा है, मैं तुम क्लियर कर रहा, चडूनी साहब ने कहा कि किसानों भी चोण लड़नी चाहिए है, किसान चोण क्यों नहीं लड़ सकता, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जाके पंजा भरांगा ते चोण लड़ांगा, उन्होंने कहा किसानों भी सक्रिय है, राजनीति तक की पॉलिटिक्स, मैं कहते नाना पाएगा, ते खुचाई ती उम्मीदवार जित के उस पंचायत से जाना पेगा, तो ही सर। एक बार बार पूछ रहे हैं, बैंस असं क्लीयर कर चुके हैं, पर मैं तुम्हें दस दिया, काला तना साडे कोल, चडूनी साहब कोल भी है, स्विस बैंक का अकाउंट है, दई 2014 ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ 2014 ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਲਿਖਤ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵਾਹੀ ਯਾਦ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਟਿਕਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਟੋਟਲੀ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਟਕਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਈਵਨ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਮੱਛਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਪਰਜੀਵੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਤ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੜਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਵਰਗੜਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚੁੰਝ ਫਸਾਈ ਹੈਗੀ ਆ KP ਸਿੰਘ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਰਸਮ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 40 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਸਮ ਜੀ ਸਰ? ਇਹ
जेड़ा मर्जी लगता हो सकता कई किसी ना किसी इक्कड़ दुक्कड़ लीडर के मुँह चोजी लाल भी टपकती हो पर हालात तो देखो तरातल के किड़े आ जेड़ा भी लीडर मर जा जाके लीह पाड़ के चलन की कोशिश करता उन्होंने लोग एवं दरकार दे अगर दोनों दिनों के अंदर उन्होंने वापस उस लीह के उत्ते आना पैंदा ये सौखा नहीं अपने आप को खत्म करके अपने पोलीटिकल कैरियर से अपने भविख को खत्म करके कोई जाके समझौता करूगा लीह नहीं पाड़ सकता। चलो केवल ढिंगरा एक हमेशा डायलॉग लिए दरवाजा खुला रहना चाहिए। कांग्रेस देश की सब तो पुरानी पार्टी है तुहाड़े इल्जाम जिन्ने मर्जी लगते हो पर एक जिम्मेवारी बनती है तुम विरोधी धिर वालों भी वजो भी पेश आ रहे हो। केवल ढिंगरा तुम क्यों नहीं कोशिश करते पे कि प्रधानमंत्री एक वफ्त जाके मिले सारिया जड़िया हमायती किसानों दिया हमायती धिर है इन मसला नबेड़ा जाए जब तुम्हें यह लगता कि चलो ये वोटा की खेती हैगी 2022 तक बैठो दो इन्हों। देखिए जिहड़ी जिहड़ी स्टेट दे विच कांग्रेस दी सरकार हैगी है सारिआं ने अपनिआं विधानसभा दे विच एमएसपी दी गरंटी दा कानून पास करके गवर्नर साहब नूं भेजिआ कि भी इह काम कीते जाण ओह सारे पार्ट जिहड़े ने ओह प्रेजिडेंट कोल वी ओर गवर्नर कोल तां जाणगे जे ओह नूं अप्रूव करूगा। हुण गल रहि गई दूजी कि मनशा दी मनशा साडी क्लीयर सी इसी करके इह सारा काम कीता। दूसरी गल इह है भी प्रधानमंत्री जी नाल गल करन लई अहंकार जिहड़ी भरिआ होइआ उहनां दे अंदर लेकिन सीधे सिरे तो कांग्रेस वालों बीजेपी तो लोग अक जाएंगे किसान तंग आके सानू वोट पा देंगे विश्वास ही नहीं रहा हुण सियासत ते किसानां दा विश्वास सियासत ने तोड़ दिता है वह हुण समझ नहीं आ रही उन्हां नूं कि वह किवें अगे वधन। एक पास उन्होंने मन करता है कि तुहाडे वांगू जिवें तुसीं वार वार उन्होंने प्रवोक करते हो आज इलेक्शन उतरे हो उन्होंने भी मन करता सर पर वो कहते मुद्दे पहला हल करो उस तो बाद देखांगे किहड़ा साडी सुनदा है ते क्यों नहीं सुनदा ते उस तो बाद असीं फिर आपदा फैसला कर लवांगे। पाटी साहब केपी सिंह जी आपने बहुत अच्छी बात ये कही है बड़ी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि भाई राजनीति से मान लिया किसानों की बात नहीं है किसी भी तरह अगर पॉलिटिक्स से विश्वास उठता है तो ये लोकतंत्र के लिए कोई सुखद कहा नहीं जा सकता ये अच्छी कोई बात नहीं कही जाएगी। लेकिन अभी देखिए अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे राजनीति में अभी इन्होंने प्रिंस जी ने भी कहा भाई राजनीति वो हो रही है 2012 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनती मैं मुखौटा जो मैंने फिर कहा है बोलो बोलो इस मुखौटा जब सुनिए जरा केपी सिंह जी बोलो बोलो जब तक ये मुखौटा नहीं हटेगा हल नहीं निकल सकता
जो कांग्रेस मैं अगर पार्टी साहब एक मिनट सुन लो सर होर डिबेट होंगी होगी जी मुद्दे तो भटक जाती है। मेरा सवाल है पार्टी साहब तुम्हें सुधारण एक मिनट सर सुन लो ना हुड्डा कमेटी बनी इधर हाई पावर कमेटी बनी उनके विच कैप्टन अमरिंदर सिंह हरी गए सर सारा कुछ तुसी कह सकते हो सर मैं तो यह सवाल कर रहा सर यह कांग्रेस का सवाल नहीं है सर किसान का सवाल है सर कक्के कक्के चुल जाओ ना तुसी किसान का सवाल है सर कांग्रेस सवाल नहीं गा कांग्रेस भी लोगों ने देख लिया सर ताई पासे कि कांग्रेस नू पार्टी साहब हुण बोलो बिल्कुल किसान केंद्र नहीं है मैं बार बार सवाल कर रहा सर किसान का मैं किसान के मुद्दे पास नहीं होगा सर जोर ला लो नहीं पास होगा सर सर किसान के मुद्दे तो मैं पास नहीं हो सकता सर नहीं हो सकता सर सवाल बहुत सारे है सारे सियासत दे सवाल करना चाहते हैं ढेड़ का सवाल क्यों नहीं करना चाह रहे इस मुद्दे को किसान तक ही सीमित क्यों रखा जा रहा सवाल यह भी है असेंशियल कम्युनिटी एक्ट है वो कल किसानों वास्ते नहीं है पूरे देश वास्ते है पूरे देश की जनता वास्ते है तुहानू दस्या नहीं जा रहा असी वार बार कोशिश करते हैं इसलिए वार बार डिबेट करते हैं कि तुहानू पता लगे असल में कानून है की है तो कानून का मतलब है की है वापस आ रहे बड़ा सवाल असं पूछ रहे हरियाणा के करनाल किसानों के पक्के मोर्चे ने सियासत लिए किहड़े राह खोले रसमजीत सिंह सियासत लिए कोई राह खुल गया किसानों के इस पक्के मोर्चे नाल देखो जी असल च एक सियासत का हुण नवा रूप तुहानू सामने निखड़ के आऊगा ये पोलीटिकल पार्टियां दे पता नहीं की सोची जांदियां ये तो यही जानण पर एक जिहड़ी जनता की सियासत जिहड़ी लोकतंत्रिक प्रणाली लई एक जनता जनर्दन की चेतन बुद्धि चों एक ऑर्गेनाइज्ड मजारिया के रूप दे विच एक नवी किस्म की शक्ति का जन्म होना और इस जिहड़ी कसी पिटी राजनीतिक पार्टियां की रवायती किस्म की पॉलिटिक्स सी उसनू चुनौती देना इसने एक नवा फेज साड़ी इंडियन डेमोक्रेसी च शुरू होया ये अजे उस गल नू समझण लई नहीं तैयार पाठी साहब ने की कहा कहिंदे जी किसान दे खेतां विच हद हो गई है ये कौन आ बंदे फिर ये किसान नहीं नहीं मनण लई तैयार उन्हां नू यही कारण आ क्योंकि इन्हां नू ये लगता कि किसानां नू ते असीं बुद्धू बना के रख्या होया उन्हां नू ते असीं गांव भी बनाउंदे रहांगे इन्हां नू नहीं समझ पै रही कि धरातल दे उत्ते लोक किड्डे वड्डे पद्धर ते आक रोश विच आ जोश विच आ रोश विच आ और वो इस देश की राजनीति के तौर तरीके ते ना पार्टियां के तौर तरीके नू चुनौती दे रहा सत्ता मैं लास्ट सत्ता असल मान्या च इन्हां तो खिसक के लोगों को जा चुकी है लोग फैसले कर रहे असीं कित्थे बैठना की करना की नहीं करना यह वड्डा सवाल केवल ढींगरा यह सर जिहड़ा तीन खेती कानूनां दा मुद्दा मैं वापस सर पॉइंट ते आ रहा वो कला किसानां तक सीमित है केवल ढींगरा देखो गल है जेडे तिल कल जेडे कानून बनाए गए ने एदे विच किसान कल्ले नहीं व्यापारियों नू फायदे वास्ते बनाए गए है जेडे दो हम दो हमारे दो ने ना उन्हां हमारे दो वास्ते बनाए गए ने ਇਹ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਕੇਵਲ ਟਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕੇਵਲ ਟਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਟਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜਨਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ
जो खेती जी है वो लॉकअप दे विच बंद की जाऊगी तो वह लोगों का मसला पैदा हो जाऊगा। चलो यह सारे ठीक। सारे जेडे 100 के देश की जनता का मसला है, सियासत भी इसनों किसान का सीमित रख रही है, उससे किसान सियासत वंड दिंदी है, कदे मवाली कहती है, कदे खालिस्तान कहती है, कदे नक्सली कहती है, कदे अत्तवादी कहती है, कदे कहते किसान खेतों में बैठे है तो कोई होर लोग बैठे है। प्रिंस वड़ाए तुहाडी भी कमजोरी है संयुक्त किसान मोर्चे की, तुसी देश की जनता तक यह मामला नहीं ले जा सके? देखो सरकार अपनी एजेंसियां दे रही या माफ करना मैं मीडिया कह रहा सारे चैनल नहीं पर तुसी भी जानते हो कुछ मीडिया नु मैनिपुलेट करके देश के अंदर गलत माहौल कदी गुंडा मवाली सब बेशर्मी दी गल्लां ने, लोकतंत्र दा गला दबाण वाली गल्लां ने। संयुक्त किसान मोर्चा पूरा मजबूत है, यह मूवमेंट जी हरियाणा पंजाब तो शुरू हुई थी, अब हरियाणे के हिस्से हिस्से च है, बंगाल तुसी देखिया किदा वड्डा इन्होंने उत्थे प्रोपोगेंडा किया, उन्होंने इतों सफाया हो गया बीजेपी का, उतो ता भी सत्ता चली आ सके, इन्नी एंटी इनकम मिनिस्ट्री होने के बावजूद अब बच्चा बच्चा इस गल समझ रहा है कि उन्होंने जो रोटी है वो तिजोरी च बंद होने जा रही है। जिहड़ी तुसी गल इस तों इलावा कीती सी कि कांग्रेस भाजपा जी, मैं हर डिबेट च बैठदा, इन्हां कोल मुद्दा नहीं हुंदा कि करदे ने आपस लड़न लग जांदे ने, डिबेट का समा टपा दिंदे ने, जबकि गल यह है कि 70 साल कांग्रेस का ज्यादा राज रहा, होर पार्टियां का भी, किसानों के हालात बदतर रहे, सिर्फ इन्ना किसान पहला वेंटीलेटर से सी, बीजेपी ने आके वेंटीलेटर भी बंद करता, ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दी। दूसरी गल एक मैं एक कंप्लीट कह रहा हूं, अगले चैनल से 6 बजे जाना है कि यह कानूनों के नाल फैडरल स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी का भी कान करने वाली गल है, संघीय ढांचे से स्टेट के हक किसी आई थी कि खेतीबाड़ी संबंधी फैसले स्टेट लेगी, ओदा भी इन्हें गला कुटिया फैसले का, जिहड़ी लोकतंत्र की परिभाषा सी टू द पीपल फोर द पीपल बाय द पीपल, लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों के प्रति, अज उन्हें खत्म करके टू द कोरपोरेट फोर द कोरपोरेट बाय द कोरपोरेट, पूंजीवाद के लिए पूंजीवाद के द्वारा पूंजीवाद की प्राप्ति के लिए खड़ा कर दिता है, असीं इहनूं कंडेम करने आ निखेधी करदे आ। ठीक है, हां मिस्टर पाटी लास्ट कमेंट प्लीज। जी देखिए केपी सिंह जी, अभी हमारे साथी है प्रिंस, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, मीडिया को ठहरा रहे थे जिम्मेदार, सत्ता पक्ष को जिम्मेदार। सर मैं कह रहा हूं सर, मीडिया रोके, मैं कह रहा हूं पार्टी साहब मैं प्रिंस बड़ाई दे नाल खड़ा सर, इस मुद्दे पे खड़ा सर, मैं मीडिया रोके कह रहा हूं सर, उन बहन बेटियों की इज्जत किसने लूटी, वो मर्डर किसने किया, वो रैप किसने किया, वो उन लोगों ने किया जो अराजक तत्व थे, इसलिए सरकार जिम्मेदार थी, ये किसान आंदोलन को नाम पर जो चलाने वाले जो तथाकथित लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, किसी मीडिया ने सरकार ने बदनाम नहीं किया, उन लोगों ने खुद बदनाम किया है, इसलिए ये आंदोलन केवल और केवल एक मुखौटा है, कांग्रेस पार्टी दोगला दोहरा चरित्र इसमें दिखा रही है, जो खुद पहले एमएसपी और मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती थी, आज केवल अपनी जमीन तलाशने का काम कर रही है, आज अभी कानून लागू नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आंदोलन चलाए हुए हैं, ये केवल राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा। पार्टी साहब ये सर किसानों का अंदोलन तुसी नहीं मानते पे गे सर, 11 बैठक ते एक गैर रस्मी बैठक तुसी क्यों की थी सर इन्हां नाल? देखिए लोकतंत्र में किसी भी बात को सुनने का सरकार को सुननी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा रखती है, इसलिए किसानों को बार बार बुलाया लेकिन कुर्सी को घुमा करके पीछे की तरफ मुंह करके बैठ जाना, ये कौन से लोकतंत्र ने पार्टी साहब लोकतंत्र पार्टी साहब ये नहीं बता पार्टी साहब, केवल और केवल काला कानून है, कौन सा काला कानून? पार्टी साहब एक मिनट प्रिंस बड़ा एक मिनट आ रहे हैं पार्टी साहब, एक मिनट प्रिंस बड़ा चाह रहे हैं, प्रिंस बड़ा चाह रहे हैं प्लीज आ रहे हैं पार्टी साहब, मैं एक मिनट प्लीज लास्ट सवाल तो लेना प्रिंस बड़ा पार्टी साहब, लोकतंत्र तो यह भी कहता है कि जो चिट्ठी लिखी जाती है तो उनका जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री साहब ने जवाब ही दिता पार्टी साहब, जवाब किस बात का नहीं दिया है आप बताइए। देखिए सरकार एमएसपी व्यवस्था जिस तरह आज है, जिस तरह चल रही है, सरकार वो देने को तैयार है। ठीक है पार्टी साहब जी थोड़ा जवाब आ गया सर, पार्टी साहब ठीक है सर सारे कल इन्हों का जेपी दलाल जिहड़ा एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरियाणे का कह रहा सी, मैं आप सुनिया कि हुड्डा ने सुपारी दे के गुरनाम सिंह चड़ूनी नू अगे कीता होया,
जे एहोजी मानसिकता इन्हां दी हैगी है तो फिर तुसीं इहदा हल की लभदे आ। दूसरी गल 8 तरीक नूं जेड़ा इन्हां दी अपनी भारतीय किसान संघ हैगा उन्होंने की गल कही है कि MSP तुसीं सारयां नूं लाजमी दो ताडे ते अपनी RSS दे विंग विरोधता कर रहे हैं तुसीं उन्होंने भी कह दो कि ओह किसान नहीं हैगे। ठीक है, हद हो गई है। प्रिंस वड़ैच, प्रिंस वड़ैच लास्ट कमेंट थोड़ा जिहा। प्रिंस वड़ैच, प्रिंस वड़ैच हुण मुद्दे दा हल किवें निकलूगा? देखो मुद्दे का हल करना सरकार के पाले च गेंद है। असीं ते अज भी सकारात्मक हाँ कि शायद इन्हां दे अंदर कि थोड़ी बहुत शर्म बची होए, चुनी हुई फिर भी सरकार है अपने अन्नदाता की कमेरे की आवाज को समझेगी, इज्जत नाल साडी वापसी कराएगी। असीं चिट्ठी भी लिखी है इन्हां नूं कि असीं गल करन लई तैयार हाँ, ये अड़ियल रवैया छड्डण, ये कहण कि अगर कानूनां च कमियां साबित हो जांदियां असीं रद्द कर देंगे, तो एक लाइव डिबेट कर लैन, एक कैमरे के उत्ते डिबेट हो जाए। ये कह रहे कानूनां च काला की, असीं किताब जारी कर दी है कि किसी कानूनां च काला की है, फिर भी समझ नहीं आता। एक बार किसी सिंगू बॉर्डर से किसी झोपड़ी के अंदर किसी तंबू के अंदर चले जाए, बड़े प्यार किसान समझा देंगे इन्हों, हूं तो एक हजार असर रह गया, किसान प्यार समझा देंगे, जाके पूछ लेना। चलो बहुत धन्यवाद प्रिंस भड़ाई, पार्टी साहब थोड़ा बहुत धन्यवाद, केवल टिंगरा थोड़ा बहुत धन्यवाद, प्रेस मनजीत सिंह थोड़ा बहुत धन्यवाद। MSP के भी हुण थोड़ा जिहा वाधा होया, वह मेरे को सारी रिपोर्ट है की है, इनते भी किस दिन चर्चा जरूर होगी। MSP का वाधा जिहड़ा दस्या जा रहा उहदे सच की हैगा तो झूठ की हैगा, तो गुमराह किन्ना किया गया, जां ये MSP जो वाधा जिहड़ा वह सरकार अपने वादे निभा रही है। सारे सवाल हुणे लाजमी है, पर इन्हां सवालों के विचाले खेती कानून का मुद्दा किते पासे तां नहीं हो रहा। असी सवाल किया सी किसानां दे मोर्चे लगे हुए आ, सरकार का प्लान की है? प्रोफेसर मनजीत सिंह कहिंदे आ किसानां दे मोर्चे फैल रहे आ, ये अंदोलन जिहड़ा देश भर में फैल रहा, सरकार किस तरीके नाल सोचदी पई आ देश भर में फैलदे अंदोलन की आवाज़ सुनेगी, जां सरकार नूं लगता कि किसान हुण वंडे जाणगे? ते इह सारे सवाल असी लगातार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।